गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने वाले हैं रसबरी, तो सबको बहुत पसंद आती है। ये देखिए, देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, इतनी ही फ्रेंड्स ये खाने में अच्छी थी। तो चलिए कर लेते हैं तैयारी। ये है हमारे पास एक कटोरी सूजी है, ये देखिए, तो यहाँ पर एक कटोरी सूजी यहाँ पर हमने डाल दिया है। 2 चम्मच घी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ये देखिए, तो इसको जैसे ही मेल्ट होता है, देखिए जैसे मेल्ट होता है इसमें डाल देंगे सूजी। सूजी डालने के बाद गैस को लो रखेंगे, फ्लेम को ना हाई करेंगे ना मीडियम करेंगे, सिर्फ लो फ्लेम में इसको रोस्ट करना है। जैसे इसको ब्राउन नहीं करना है, पर जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज होता है, बस इसको इसमें ऐड कर देंगे दूध। तो यहाँ पर हम दूध किस क्वान्टिटी से ऐड करेंगे, जैसे कि हमने एक कटोरी सूजी लिया हुआ है तो इसका डबल, तो इसका मैं कम से कम 2 कटोरी दूध ऐड करूँगी। ये देखिए, तो इसको हल्के से भूनते जाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर कंटिन्यू आप चलाते रहिए। एक भी पॉइंट इसका ब्राउनिश आ जाएगा तो फिर कलर बिल्कुल बेकार हो जाएगा, खाने में भी और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए कलर चेंज हो गया, यहाँ पर ऐड कर दिया हमने 2 कटोरी दूध है। ये देखिए, यहाँ पर हमने 2 कटोरी दूध ऐड कर दिया है। आप चाहें तो अगर आपके पास दूध नहीं है तो यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं, अगर मिल्क पाउडर भी नहीं है तो आप नॉर्मल पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, और यहाँ पर थोड़ा सा पानी मैं अभी और ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सूजी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, और क्योंकि सूजी अगर हम पानी थोड़ा सा और नहीं ऐड करेंगे, यहाँ पर आप चाहे तो दूध भी ऐड कर सकते थे। तो यहाँ पर हमने 2 बड़ी कटोरी में एक बड़ा मग हमने डाल दिया था दूध, तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर पानी ऐड किया। यहाँ पर हमने सिर्फ 2 चम्मच चीनी ऐड करेंगे, इसलिए कि जब हम रसबरी बनाएंगे चाशनी में उसको डिप करेंगे तो उसके अंदर भी एक हल्की सी मिठास होनी चाहिए, नहीं अगर सही से नहीं हुई तो एक मतलब वो सिर्फ चाशनी का टेक्स्चर आएगा, अंदर सिर्फ कभी कहीं कहीं सिंपल या प्लेन टेस्ट आएगा, उसका कोई अलग सा टेस्ट ही रहेगा, मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, धीरे 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 करके मैं इसको लो फ्लेम पर ही पका रही हूँ। ये देखिए कि एकदम से ये बॉटम को छोड़ देगा, ये देखिए बिल्कुल से छोड़ दिया, इसको और चलाएंगे थोड़ा सा। इसके बाद मैंने गैस को बंद कर दिया, ये देखिए बिल्कुल हमारा जैसे आटे वाला डो बनता है उससे हल्का सा सॉफ्ट है, वैसा ही हो गया है। ये देखिए बॉटम को बिल्कुल छोड़ दिया है और मेरे स्पैचुला में एकदम से पूरा का पूरा डो एकदम चिपक गया। तो यहाँ पर हम कर देंगे चाशनी की तैयारी। यहाँ पर हमने उसी कटोरी से जिससे मैंने मेज़रमेंट एकदम आप सही रखिएगा, नहीं तो कम ज़्यादा भी हो सकता है, जिस कटोरी से हमने सूजी लिया था उसी से हम चीनी लेंगे। तो यहाँ पर हम 1.5 कटोरी सूजी चीनी ऐड करेंगे, उसका 1.5 गुना सूजी का 1.5 गुना चीनी ऐड करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर पूरा मग भर के इसमें डालेंगे पानी, थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे। इसके बाद इसको अच्छे से बॉयल आने देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी हमने और ऐड कर दिया है, कम से कम 1.25 मग हमने ऐड कर दिया। इसको आप खोलने देंगे। यहाँ पर ऐड करेंगे हम इलायची पाउडर, इलायची पाउडर हमने कूट के डाला हुआ है, बहुत अच्छा स्वाद आ रहा था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी। यहाँ पर कार्डमम पाउडर थी, ये देखिए, तो ये जो हल्की सी इसकी जो रेसे आ रहे हैं उसको माइंड मत करिएगा, क्योंकि मैंने तुरंत कूट के डाला हुआ, जैसे अभी ये गर्म होती चेंज हो जाएगी। यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाला है, जिसमें रसबरी का टेस्ट बहुत निखर के आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, तो कलर बहुत प्यारा हो गया। जब तक इसको बॉयल आता है, इसको बॉयल होने देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको बॉयल होने देंगे, तब तक कर लेते हैं अपने हम। देखिए, जब तक हमारा डो ठंडा हो गया है तो उसको, ये देखिए बहुत हमने इसको कम से कम इसको मसलना पड़ेगा 4 से 5 मिनट तक इसको, नहीं तो इसमें जब आप जब रसबरी बनाएंगे गोल करेंगे, जब पेड़े बनाएंगे तो फटेंगे। यहाँ पर ये देखिए अभी कुछ भी एकदम कितना चिपक रहा है, और इसको हल्का हल्का घी लगा लगा के एकदम से आप इसको चिकना करेंगे। ये देखिए, तो 5 मिनट बाद ये देखिए बिल्कुल आटे जैसा डो बन गया है और बिल्कुल चिकना डो बना हुआ है। ये देखिए, तो अब मैं आपको एक पेड़ा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, कहीं कोई क्रैक्स नहीं है, कोई भी निशान नहीं है इसमें, देखिए बिल्कुल चिकना बना हुआ है। तो इसको ऐसे ऐसे मूव करने के बाद हल्का सा दोनों हथेलियों के बीच में रखने के बाद इसको प्रेस कर देंगे। देखिए, देखने में बहुत प्यारी लग रही थी, ये देखिए। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हम सारे के सारे जो अपने रसबरी हैं बना लेंगे। यहाँ पर आप नॉर्मल हाथों से ऐप बना लीजिए। ये देखिए, हल्का सा बीच में प्रेस करिए और ऐसे करके पूरे मूव करेंगे तो सर्कल जैसा बन जाएगा। ये देखिए, बहुत चिकने बने हुए थे। इसी प्रकार से सब बना लिया है हमने, ये देखिए।
ये देखिए लास्ट में, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही थी। तो इसके बाद मैं चलती हूँ फ्राई करने के लिए यहाँ पर, ये देखिए। तो यहाँ पर इतना ही वीडियो, क्योंकि पूरा मेरे मोबाइल में डाट